लक्ष्मी और आप देख रहे हैं एलेनाई, शताब्दियों की प्रतीक्षा, प्रण और प्रार्थना। आशी अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम लल्ला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूर्ण हुई। अयोध्या धाम श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का अलौकिक क्षण हर किसी को भाव विभोर करने वाला है। भुवनेश्वर धरवा गांव पद्मपादा गिरी, जिसे पद्मपादा स्थली के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वनवास के दौरान श्री राम जी माता सीता और अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पद्मपादा गिरी आए थे। श्री राम जी वनवास के समय इन घने जंगलों में कुछ समय विश्राम करने के लिए रुके थे। यहाँ प्रभु के पद चिन्ह हैं, जिनमें ग्रामवासी दूध चढ़ाते हैं। मान्यता है कि इन पद चिन्हों पर दूध चढ़ाने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और गाँव में कभी अकाल नहीं पड़ता। घने जंगलों के बीच में यह रमणीक स्थल अपने आप राममय होने का पूरा उदाहरण पेश कर रहा है। यहाँ पर लोगों की अपनी आस्था, उनकी उपस्थिति से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अयोध्या जैसा जश्न पद्मपादा के इन जंगलों में भी मनाया जा रहा है। हमारे साथी लक्ष्मी शर्मा की यह पूरी की पूरी रिपोर्ट आपके लिए उतनी ही खास है जितनी हम आप अयोध्या से हर एक छोटे से बड़े रामलला प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव का आनंद टीवी और बाकी जगह देख रहे हैं। इन बच्चियों से लेकर हर कोई यहाँ पर मौजूद आस्थाप की डुबकी लगा रहा है, क्योंकि यह जगह अपने आप में न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि प्रभु राम से सीधे जुड़ी हुई है। और यहाँ राम जानकी संग और अपने भाई लक्ष्मण संग आए हैं, तो यह इतिहास और इसके प्रति आस्था का एक अपना अलग ही महत्व पड़ जाता है। और इसी महात्म को समझने और समझाने के लिए साथी लक्ष्मी ने यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की, जिनकी कहानी उन्हीं की जुबानी कुछ सुनने को आपके लिए है। जय श्री राम, जय श्री राम। आज जब सारी दुनिया राममय है, ये भी है कि प्रभु राम जी का ये भी एक पीठ है, जिसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। इस जगह का महात्म्य क्या है वो तो आप सब जानते हुए हैं। अभी ये है, आज दिन का जो कार्यक्रम रहा, आज इन लोगों के बदल सब ये संभव हुआ है। ये सब इनका मेहनत है, कोऑपरेशन है, जो इतने मेहनत करके सब आज का दिन सफल मंडित किया है। तो आज वही है, सारी देशवासियों को मेरा यही सवाल है कि आज का दिन में सभी कुशल मंगल रहे, सभी का मंगल हो। जय श्री राम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय श्री राम। जब सीता मैया ने इधर थे तो यही ये जो कुंडा आप देख रहे हैं तो उसमें वो स्नान करते थे, और इनका जो रसोई का जो सामान होता था वो भी इसमें धोया करते थे। तो उसमें ये भी है, वो आप तो आप देख रहे हैं, ये छोटा सा कुंडे है, फिर भी साल भर इसमें से पानी ऐसा ही रहता है, कभी वो सूखा नहीं होता है। और वो पानी का रंग काला ही होता है, आप कितने में पानी इसमें डालिए ओवरफ्लो हो जाता है, फिर भी इसके बाद जो काला वही काला रहता है। ये है एक मान्यता जो है और अभी भी है। यही हो जगह है जहाँ से रामचंद्र ने धनुष मारे थे इंद्रजीत को मारने के लिए। अभी भी इनका आंठू का निशाना पड़ा है, ये निशाना भी हमें पूजा करते हैं आजकल। और जब सारी दुनिया में जब राममय है पब्लिक, आज हमारा भी ये रामपीठ में कल से ही पूजा पाठ चल रहा है, और वो हर साल रामनवम के दिन यज्ञ भी होता है।
रामनवमी का दिन में यज्ञ होता है, इधर पूजन होता है, और छोटा सा जो मंदिर है, प्रभु राम का मंदिर एक ही पत्थर में बनाया गया है। पद्मपादा के इन जंगलों में इस जगह पर बैठकर और यहाँ पर आने पर शायद हर श्रद्धालु भगवान राम से सीधे साक्षात कर रहा होगा, ऐसा हमारा भी मानना है। क्योंकि एक तरफ जहाँ रामलला आज अयोध्या में अपनी प्राण प्रतिष्ठा के साथ 500 बरस के इंतजार को ख़त्म कर रहे हैं, वहीं पद्मपादा के इन जंगलों में श्रद्धालुओं का यह हुजूम इस बात का इशारा कर रहा है कि उड़ीसा में भी एक अयोध्या है। क्योंकि राम के पदचिन्ह यहाँ पर हैं और माता सीता के कुंड की भी यहाँ अपनी उपस्थिति है। मान्यताओं की मन्नतियों और कहानियों को छोड़कर आज मौजूद इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो आज फिर सब राम से मिलन कर रहे हैं। भोज भंडारे भजन कीर्तन के साथ हाजिरी लगाते लोग उड़ीसा में भी भगवान राम के उत्सव का आनंद ले रहे हैं। पूरे देश दुनिया में शायद यही माहौल है, माहौल राममय होने का, राम नाम से गूंजने का। और इसी राम नाम की गूंज का साक्षात आपसे हमारी साथी लक्ष्मी शर्मा ने कराया। देखते रहें, जुड़े रहें लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक से। क्योंकि हर उस भारत के कोने में जहां प्रभु राम और उनकी निशानी बसती है, शायद हम दिखाने में ऐसे ही कामयाब होंगे।